हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक को पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शाकाहारियों को खाली स्थान है पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि शाकाहारियों को किन चीज़ को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेलुलोज। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ प्रश्न है। सेलुलोज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। घास तथा हरे सब्जियों में पाए जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता है, लेकिन भोजन में सेलुलोज होना आवश्यक है, जो कि बिना पचे हुए भोजन को ठीक तरह से उत्सर्जन में आवश्यक होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 में किस शहर में आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया है। तो फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि बजट 2020-21 को किसने पेश किया था, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। और ये आदिवासी संग्रहालय बनाने का ऐलान किया गया है झारखंड की राजधानी रांची में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न देखिए। तीन नंबर है, हमारे कानों में खाली स्थान है कि उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जाता है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपास्थि। उपास्थि जो है एक संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा, हड्डी, उपास्थि और रक्त, ये तीनों क्या है, संयोजी ऊतक है। तो उपास्थियों की उपस्थिति के कारण कानों को मोड़ा जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। कानों में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनमें से इनके नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपस। ये दो दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टेपस, और दूसरे कान में भी 1 हड्डी पाई जाती है इनकी। तो इस तरह से 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, तो टोटल 6 हड्डियाँ हो गई। स्टेपस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान की हड्डी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करुण नायर ने। याद रखिएगा, वीरेंद्र सहवाग के अलावा एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं करुण नायर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किन के खिलाफ लगाया था, तो ये इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने लगाया था, 303 रन नॉट आउट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2022 में जो होगा ये 24वां होगा, 24वां शीतकालीन ओलंपिक होगा। इससे पहले 23वां शीतकालीन ओलंपिक साउथ कोरिया के प्योंगयांग शहर में हुआ था। अभी 2022 में 24वां होगा, चीन की राजधानी बीजिंग में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी। फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में WHO के हेड है टेड्रोस अधनोम, और ये इथोपिया के हैं। और फ्रेंड, इस वर्ष की थीम रही थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2019 की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस ग्रह के उपग्रह का नाम गैनीमेड है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जान लीजिए कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो पहला आंसर तो आपको यहाँ से कट गया, बुध के पास कोई उपग्रह ही नहीं है। उसके बाद फ्रेंड, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, ये हैं फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं, और ये जो गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का ही उपग्रह है और यह सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, शनि के पास टोटल 62 उपग्रह हैं, और इसमें से टाइटन और एटलस, टाइटन ध्यान रखिएगा शनि का उपग्रह है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना बांध। तो भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकुट कलानाई,
और ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा कहाँ है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आण्विक द्रव्यमानों में डैश है, खाली स्थान है, इकाइयों का अंतर होता है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी यहाँ अल्कोहल की बात आए तो आप समझ जाइए कि ये मेथिल अल्कोहल की बात हो रही है। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ठीक है फ्रेंड्स। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। अब आपके इनके आण्विक द्रव्यमान में अंतर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ देख लीजिए, इनका निकालिए, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, माफ़ कीजिएगा, एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, तो 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और फिर हाइड्रोजन का कितना है, एक है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 12 और 3 15, 15 और 16 31, और 31 और +1 32, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप कर लीजिए, कार्बन के कितने हैं 12, तो 2 है, तो 12 और 2 12 को डबल कीजिए, 24, 24 और 5 29, 29 और 16 45, और 45 और ये एक 46, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 46 में से 32 को माइनस करने पर 14, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है, इसमें से नृत्य का कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा रूप है जो तेलंगाना राज्य में काफ़ी लोकप्रियता से किया जाता है। तो फ्रेंड ये किया जाता है पेरिना टांडवम, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिना टांडवम। यह काकतीय राजवंश के समय उत्पन्न हुआ था और यह सामान्यतः पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस डांस को डांस ऑफ वॉरियर कहा जाता है, यानी योद्धाओं का नृत्य, याद रखिएगा, डांस ऑफ वॉरियर कहा जाता है पेरिना टांडवम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करते हैं, ये लिखा हुआ है 2O, ठीक है। जो ये 2O है ये ऑक्सीजन के परमाणुओं को निरूपित करता है, और O2 है, ऐसे O2 जब लिखा जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं को निरूपित करता है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 2O निरूपित करता है परमाणुओं को, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को, ठीक है फ्रेंड्स। और O2 जो है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स को यानी 2 अणुओं को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांडी मार्च जो है यह 12 मार्च को, याद रखिएगा 12 मार्च को कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ शुरू किया था, और ये पहुँचे कब दांडी, 6 अप्रैल को। टोटल इन्होंने कितने दिनों की यात्रा की थी, तो टोटल इन्होंने 24 दिनों की यात्रा की थी, याद रखिएगा कितने दिनों की यात्रा की थी, टोटल 24 दिनों की यात्रा की थी। और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं का क्रिकेट T20 विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, और इसका विजेता कौन रहा, स्वयं ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर T20 विश्व कप 2020 का खिताब जीता था, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AQI से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, AQI का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसके चलते एयर क्वालिटी में काफ़ी सुधार आई है, तो हो सकता है इस तरह के प्रश्न आपकी आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो फ्रेंड ये जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में वर्णित हैं, याद रखिएगा 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है, और टोटल 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपने मौलिक अधिकार वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2020 में पुरुषों का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पुरुषों का पूछा जा रहा है, तो 2020 में पुरुषों का ऑस्ट्रेलियन ओपन का एकल प्रतियोगिता का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, और इन्होंने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराकर, किसको हराकर, डोमिनिक थीम को हराकर यह खिताब जीता था।
अगर आपसे पूछा जाए कि ये डोमिनिक थीम कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये जर्मनी के हैं। अब अगर बात कर लेते हैं महिलाओं की एकल खिताब में, तो महिलाओं का एकल खिताब जीता था सोफिया केविन ने। किसने जीता था? सोफिया केविन ने। और ये सोफिया केविन कहाँ की हैं? ये USA की हैं। और इन्होंने फाइनल में गार्बिन मुगुरुजा को हरा कर जीता था। गार्बिन मुगुरुजा स्पेन की हैं, तो आप ये सब ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपको बताना है कि जब ऊपर फेंका जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ती है और गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है? घटने लगती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बोनालू त्यौहार किस राज्य से जुड़ा है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बोनालू त्यौहार जो है ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है फ्रेंड्स। और इस त्यौहार में देवी महाकाली की पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है कि मार्च 2020 में IDFC बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे में अक्सर ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक का फुल फॉर्म। यहाँ आपको जानना है कि IDFC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। IDFC की स्थापना कब हुई थी? IDFC फर्स्ट बैंक की, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं वी वैद्यनाथन। याद रखिएगा कौन है? वी वैद्यनाथन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्निंग पॉइंट्स ये जर्नी थ्रू चैलेंजेज किसकी रचना है। ये प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टर्निंग पॉइंट्स ये जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की रचना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के खाली स्थान है अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि किस अनुसूची में ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। बात करें 9वीं अनुसूची में, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। 11वीं में पंचायती राज का उल्लेख है और 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी किस संविधान संशोधन में। तो फ्रेंड, ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1976 में हुआ था। और इसकी अवधि फिर से घटाकर 5 वर्ष कब कर दी गई? ये किया गया 44वें संविधान संशोधन में, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? आपने देखा होगा कि किसी पौधे का कोई पार्ट तोड़कर उसको लगा दिया जाता है तो वो पौधा वहाँ पनप जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि कायिक प्रवर्धन में पौधे के किसी भाग को मातृ पौधे से अलग करके इसको इस प्रकार उपचारित किया जाता है कि पौधे स्वयं प्रवर्धित हो जाता है और अपना एक अलग अस्तित्व कायम कर लेता है। तो आप देखिए, केला को भी लगाया जा सकता है, गुलाब के डाली तोड़कर अलग लगा दिया जाता है तो आपने देखा होगा गुलाब हो जाता है, नारंगी भी होता है, लेकिन पपीता जो है ये कायिक परिवर्तन के द्वारा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो फ्रेंड, ध्वनि तरंग मापा जाता है हर्ट्ज में, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर की 1100 वाट की पावर वाले मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आपको धारा बताना है यानी I का मान बताना है। तो फ्रेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, यहाँ पावर दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ? वोल्टेज दिया हुआ है। तो जब भी पावर और वोल्टेज वाला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है P = I² R,
ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देख लीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आई दो बार है तो आई आई इंटू आर। अब देखिए ये आई आर इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, आपने पढ़ा होगा वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आप हम ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल टू आई इंटू वी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई निकालना है, वी गिवन है और पी भी गिवन है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा पी बाई वी। पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको देख लीजिए पावर कितना है 1100 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, और वोल्टेज कितना हुआ है 220 वाट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ और ये 22 से 5 टाइम्स में जाता है 110, तो कितना आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। धारा को एम्पियर में डिनोट किया जाता है 5 एम्पियर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है। देखिए आपको यहाँ से प्राप्त हो गया, आप जान गए कि राइटर्स क्या है, एक समाचार एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड ये राइटर्स समाचार एजेंसी जो है इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में पॉल राइटर्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पॉल राइटर्स के द्वारा की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय इसका, ये लंदन में है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। फ्रेंड मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ ह्यूम के नेतृत्व में मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरेन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में ही मुंबई में हुआ था और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी के धार्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु दोनों एक ही बात है, अगर आपसे धार्मिक पूछा जाए या फिर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो दोनों सेम बात है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं रामदास। लेकिन आपसे अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव। याद रखिएगा कौन थे, कोंडदेव थे, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2020-21 में 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। तो फ्रेंड कितने नए एयरपोर्ट 2024 तक बनाए जाने का ऐलान किया गया है, 100, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2024 तक। फ्रेंड्स बजट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बल का CGS मात्रक क्या है। तो फ्रेंड बल का CGS मात्रक होता है डाइन, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे SI यूनिट पूछा जाता तो SI यूनिट बल के क्या है, न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ CGS यूनिट पूछा जा रहा है तो ये होता है डाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन = 10^5 डाइन होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और फ्रेंड्स अगर आपने सेट 1 से लेकर 4 तक को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।